أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. سورہ زمر آیت نمبر 32 ہے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. فمن کون ہے, اظلم بڑا ظالم, ممن اس شخص سے, کذب جو جھوٹ بولے, علی اللہ اللہ پر, وکذب اور جھٹلائے, جھوٹ بولے اللہ پر اور جھٹلائے, بالصدق حق بات کو یعنی قرآن کو, اذ جاء جب اس کے پاس آ چکا, الیسا آ کیا, لیسا نہیں ہے, فی جہنم فی میں, جہنم جہنم میں, مسون ٹھکانا, للکافرین کافروں کے لیے. اس آیت بینہ کے دو معنی ہیں. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ پر جھوٹ باندھنے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ایسی بات کو منسوب کرے جو اللہ نے نہ بتائی ہو. یعنی کوئی شخص
नबुव्वत का दावा करे और ये कहे कि मुझे अल्लाह ने नबी बना के भेजा, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, तो कहा कि ए लोगों, अगर तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये तरद्दुद है कि ये अपनी तरफ से कह रहे हैं, तो उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? गोया कि फिर ये सबसे बड़े जालिम शुमार किए जाएंगे, और अगर ये जालिम है तो फिर जालिम का अंजाम खुद बुरा और बदतरीन होता है। तुम्हें इसके खिलाफ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उससे बड़ा कौन जालिम हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। तो एक झूठ बांधने का माना यह कि अल्लाह की तरफ ऐसी बात मंसूब करना जो अल्लाह ने ना बतलाई हो। दूसरा माना अल्लाह के ऊपर झूठ बांधने का माना यह है कि इंसान अल्लाह तबारक ताला की किसी बात का इनकार कर दे कि नहीं, ये अल्लाह ने यूं नहीं नाजिल फरमाया, ये नाजिल फरमाया। आजकल भी इसी तरह से बहुत सारे लोगों का मिजाज है हर बात कुरान की तरफ मंसूब करना, हर बात हदीस की तरफ मंसूब करना, अपनी मर्जी की बात, किसी का कौल मिल गया अच्छा सा तो नीचे लिख दिया अल कुरान, किसी की अच्छी सी बात मिल गई, बात ठीक है, दुरुस्त है, अच्छी है, लेकिन वो बात अच्छी अल्लाह ने नहीं कही, वो बात अच्छी अल्लाह के रसूल ने नहीं कही, उस बात को तुम अल्लाह की तरफ मंसूब करते हो या रसूल की तरफ मंसूब करते हो, इसका माना ये अल्लाह पर झूठ बांधना है, अल्लाह के रसूल पर झूठ बांधना है। और आपने इरशाद फरमाया कि आदमी के झूठा होने के लिए काफी है हर सुनी सुनाई बात को आगे नकल करते। और इस तरह से इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे ऊपर जानबूझकर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना रहा है, हैं? जिसने नबी पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना रहा। नबी पर झूठ बांधने का माना वही है कि एक बात नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाई, उस बात को नबी अलैहिस्सलाम की तरफ आप मंसूब करते हैं और फिर जनाब ये कहते हैं नीचे इसको इतने लोगों में शेयर करो, इतनी खुशखबरियां मिलेंगी। आजकल शेयर करने का शौक है बड़ा, हर उल्टी सीधी बात को शेयर करना और आगे नकल करना और उसको हदीस, भाई जब तक आपके पास मुस्तनद बात ना आए, मुस्तनद शख्स की तरफ से बात ना आए, उस बात को हरगिज आगे नकल मत किया करो, हरगिज आगे नकल मत किया करो। मैं फिर आपसे कहूंगा कि चाहे वो बात दुरुस्त भी हो, जब भी बात आगे नकल करना जायज नहीं है। यूं समझिएगा, हदीस में आता है कि अगर किसी शख्स ने कुरान मजीद के बारे में कोई राय कायम की, किसी आयत के बारे में अज खुद उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह और तफसीर की और फरमाया वो तफसीर जो उसने बयान की है, जो जुमला जो किसी आयत की तशरीह में इसने कहा वो दुरुस्त है जब भी इसने गलत कहा, अगर वो दुरुस्त है जब भी गलत कहा, क्यों? इसलिए कि इससे रास्ते खुलते हैं, ख्वाहिशात के रास्ते खुलते हैं। हर आदमी फिर आयत की तशरीह अपनी मंशा के मुताबिक करेगा, तो इसलिए भाई कुरान और हदीस में बड़ी सख्त एहतियात की जरूरत है। हर सुनी सुनाई बात को आगे नकल न किया करो, बात जब तक मुस्तनद न हो, बात जब तक किसी मुस्तनद शख्स की जानिब से न हो, उस बात को आगे मत मुंतकिल किया करो। कोई खुशखबरियां नहीं मिलती इससे, ये इतने लोगों को शेयर करेंगे तो इतना सवाब मिलेगा, इतना शेयर करेंगे अल्लाह के बंदो अमल करने से सवाब मिलेगा। सही बात आपके पास पहुंचती है उसको आप आगे नकल करें, उसको आप आगे शेयर करें, सवाब की बात भी है। बहरहाल इसमें एहतियात की जरूरत है, उससे बड़ा कौन जालिम हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। वह कद्दब बिसिद्क और हक बात को झुठलाता है, सिद्क से मुराद यहाँ पर कुरान है, कुरान को झुठलाता है। अलैसा फी जहन्नम मस्वल्लिल काफिरीन, क्या जहन्नम में ठिकाना नहीं है काफरों के लिए? इसके मुकाबले में यानी एक वो आदमी जो अल्लाह पर झूठ बांधता है और हक बात को झुठलाता है, लेकिन दूसरा वो आदमी मुकाबले में वल्लदी जा अब सिद्क, और वो शख्स जो सच बात लेकर आया, वल्लदी वो शख्स जा आ जो लेकर आया, बिसिद्क सच बात को लेकर आया, इससे मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, सच बात को यानी कुरान को लेकर आए। वसद्दक बिही, और वो शख्स जिसने उस सच बात की तस्दीक की, वो शख्स
जिसने उस सच बात की तस्दीक की। इस तस्दीक करने वाले से हर मुसद्दिक तस्दीक करने वाला भी मुराद हो सकता है, और खास तौर पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो इस आयत के मिसदाक मुफस्सरीन ने बताए हैं कि उन्होंने सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्दीक की बगैर किसी हील हुज्जत और बगैर किसी दलील के। इसलिए वल्लदी जाअ बिस्सिद्क, और वो शख्स जो लेकर आया सच बात को, इससे मुराद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसद्दक बिही, और वो शख्स जिसने उस हक बात की तस्दीक की, कौन मुराद है? अबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही लोग हैं तकवादार, यही लोग हैं मुत्तकी, और यही लोग हैं अल्लाह पाक की नाफरमानी से बचने वाले। लहुम मा यशाउन इंद रब्बिहिम, इनके लिए इनके परवरदिगार के पास वो है जो ये चाहेंगे। लहुम, उनके लिए है, मा वो चीज, यशाउन जो ये चाहेंगे, इनकी मंशा के मुताबिक। दुनिया में इन्होंने अल्लाह की मंशा को पूरा किया, और आखिरत में अल्लाह इनकी मंशा को पूरा करेगा। इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, अरे ये बदला है हर नेकोकार का। मुहसिन नेकोकार, हर नेकी करने वाले का ये बदला है। इस दुनिया में जो गुनाह से बचता है, अल्लाह ने जिन चीजों का हुक्म दिया उनको बजा लाता है, और जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है उनसे रुक जाता है। तो माना अल्लाह की मंशा को उसने पूरा किया ना, अल्लाह की चाहत और मुराद को उसने पूरा किया, आखिरत में अल्लाह इसकी मुराद को पूरा करेगा। लियुकफ्फिर अल्लाहु अन्हुम, और अल्लाह पाक साफ कर देगा। लियुकफ्फिर अल्लाहु, अल्लाह दरगुजर कर देगा, माफ कर देगा, मिटा देगा। अन्हुम, उनसे, अस्वा अल्लज़ी अमिलू, उनके वो बुरे गुनाह जो वो किया करते थे। वयजज़ीहुम अजरहुम, और अल्लाह पाक उनको अजर देगा। बिअहसनी मा कानू यअमलून, वो तमाम नेक आमाल का जो वो दुनिया में किया करते थे, उन तमाम नेक आमाल का उनको अजर मिलेगा। अलैसल्लाहु बिकाफिन अबदा, क्या अलैसा, क्या नहीं है अल्लाहु, अल्लाह पाक बिकाफिन, काफी नहीं है अबदा अपने बंदे को? अगर आपकी ए नबी कोई भी तस्दीक नहीं करता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, मुशरिकीन अगर आपकी तस्दीक नहीं करते, कुरैश आपकी तस्दीक नहीं करते, तो क्या अल्लाह काफी नहीं है? बिल्कुल काफी है, अल्लाह काफी है। अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। वयुखव्विफूनका बिल्लज़ीन मिन दूनिही, और अल्लाह तबारक तआला युखव्विफूनका, आपको डराता है, अल्लाह पाक आपको खौफ दिलाता है। बिल्लज़ीन, उन लोगों से, मिन दूनिही, के जो अल्लाह के सिवा हैं। माना क्या हुआ कि तुम इनकी इताअत न करना, कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको हिदायत से और सीधे रास्ते से बहका ले और सीधे रास्ते से मोड़ दें। कैसे? बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है, ज़हन नशीन कीजिएगा। वयुखव्विफूनका बिल्लज़ीन मिन दूनी, अल्लाह तुम्हें अपने सिवा जो बाकी लोग हैं ना, उनसे डराता है कि इनसे बच के रहना, ये तुम्हारा दीन ना खराब करे, ये क्या ना करें, ये तुम्हारा दीन ना खराब करें, तुम्हारा ईमान ना खराब करें। आप शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक अमल करने की कोशिश कर रहे हो, लोग कहने लग गए इसको क्या हो गया भाई, तो कहा तुम्हें डरना चाहिए, ये अहमक तुम्हारा दीन ना खराब करे, ये बेवकूफ लोग तुम्हारा दीन ना खराब कर दें, कहीं नहीं समझे। रस्म रिवाज माशरे में बहुत सारी चीजें आदमी लोगों की वजह से छोड़ देता है। कुरान कह रहा है तुम्हें डरना चाहिए, ये लोग तुम्हारा दीन ना खराब कर दें, ये तुम्हारे ईमान पर डाका न डालें। इसी तरह से ये एक तकरीब है, नाजायज गुनाहों की तकरीब है। अब वहां जाना है जी, क्यों जाना है? अरे जी नहीं जाएंगे तो फलां साहब नाराज होंगे। अल्लाह तुम्हें डराता है ये तुम्हारा दीन ना खराब करे, तुम्हें बचना चाहिए इस चीज से। बात समझ गई? बचना चाहिए, बचना चाहिए। ये तो कितनी जगह पर देखा जाता है, इंसान जो दीन से पीछे हटता है, नंबर एक जिहालत की वजह से दीन पर अमल नहीं कर पाता, मसला मालूम नहीं है, दीन जानता नहीं है। क़यामत के दिन जिहालत उज़र नहीं होगा, क्यों नहीं सीखा तुमने। नंबर दो, रस्म और रिवाज की वजह से इंसान दीन से पीछे रहता है। क्या करूं जी, रस्म और रिवाज ये थे,
जी तो चाह रहा था कि जनाब सुन्नत के मुताबिक शादी हो, जी तो चाह रहा था कि शरीयत के मुताबिक सारे आमाल हो, लेकिन क्या करें जी, लोगों में भी तो चलना है ना। बात समझे भाई? तो यहां जो बात आती है ना, लोगों को देखकर दीन छोड़ देते हैं। कहा तुम्हें कुरान डराता है, तुम्हें डरना चाहिए इस बात से, तुम्हें अल्लाह खौफ दिलाता है, तुम्हें खौफ आना चाहिए इस बात से कि अल्लाह के मुकाबले में उनकी बातों को क्यों तरजीह दे रहे हो। बात समझे भाई? ये है। और नंबर तीन, ख्वाहिशात की वजह से इंसान दीन से पीछे रहता है। ख्वाहिशात, मेरा जी यूं चाह रहा है मैं यूं करूं, मेरा दिल ये चाह रहा है मैं यूं करूं। कहा भाई युखव्विफूनका बिल्लदीन मिन दूनी, अल्लाह तबारक तआला तुम्हें डराता है उन तमाम लोगों से जो अल्लाह के सिवा हैं, कि कहीं ये तुम्हारे अकीदे को, तुम्हारे नजरिए को, तुम्हारे ईमान को, तुम्हारे आमाल को तबाह न कर दें। तुम्हें फिक्र करनी चाहिए। और अगली बात सुनिएगा, वमन युज़रिल्लाहु फमा लहू मिन हाद, फिर जो आदमी उनके पीछे चलेगा, किन के पीछे? खानदान के पीछे, रस्म रिवाज के पीछे, ख्वाहिशात के पीछे। वमन युज़रिल्लाहु फमा लहू मिन हाद, अल्लाह फिर उसको उसी बहकावे में डाल देगा। और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, फमा लहू मिन हाद, कोई रहनमाई करने वाला आप नहीं पाएंगे जो इसको राय रास्त पर ला सके। जब गुमराही का फैसला इसके गुनाहों की वजह से अल्लाह की जानिब से हो गया, अब कोई राय रास्त पर नहीं ला सकता। वमन यहदिल्लाहु, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, एक एक आयत कैसी हमारी रहनुमाई कर रही है, किस तरह से हमारे दिलों के ताले एक एक आयत खोल रही है। वमन यहदिल्लाहु फमा लहू मिन मुदिल, जो इन रस्म रिवाज में, इन हालात में, इन मसाइब और मुश्किलात में जो आदमी हिदायत पर रहना चाहता है, हिदायत पर रहना चाहता है, दीन पर चलना चाहता है, फमा लहू मिन मुज़िल, उसे कोई नहीं भटका सकता, उसे कोई नहीं गुमराह कर सकता। वमन यहदिल्लाहु फमा लहू मिन मुज़िल, अलैसल्लाहु बिअज़ीज़िन ज़िन्तिकाम, क्या अल्लाह सख्त गलबे वाला, इंतकाम वाला नहीं है? है। तो अगर आप रस्म रिवाज को देखेंगे, अपनी ख्वाहिशात को देखेंगे, तो फिर इंतजार करो, अल्लाह पाक सख्त इंतकाम लेगा। वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्नल्लाह, एक दलील अल्लाह की कुदरत की कि वो बात जो हर आदमी जानता है, हर आदमी समझता है, अगर आप इनसे पूछिए आसमानों को किसने बनाया, वल अर्द जमीनों को, वला इन और अगर, सअलता आप पूछें, हम इन लोगों से क्या पूछें, मन कौन है, खलका पैदा जिसने किया, असमावाती आसमानों को, वल अर्दा जमीनों को, लयकूलुन्ना जरूर जरूर ये कहेंगे, क्या कहेंगे, अल्लाह, क्या कहेंगे, अल्लाह। आसमानों और जमीनों को पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह। खालिक होने में इनको तरद्दुद नहीं है, आसमानों को अल्लाह ने बनाया, जमीनों को अल्लाह ने बनाया। भाई हजारों बुतों को पूछते थे, लेकिन आसमान और जमीन का खालिक कहते थे अल्लाह ही है। ये बड़ा काम है ना, बड़े बड़े काम तो अल्लाह ही करता है, बाकी जो छोटे मोटे काम हैं ये अल्लाह ने हमारे फलां के सुपुर्द किए हैं, इसको ये इख्तियार दिया, इसको बारिशों का इख्तियार दिया, इसको रोजी का इख्तियार दिया, इसको बेटे देने का इख्तियार दिया, इसको बेटियां देने का इख्तियार दिया, ये मुश्किल कुशाई का इसको इख्तियार है, बस इस किस्म की बातें कहते थे। कुल, बताइए, इनसे पूछिए, अफरअयतुम मा तदउन मिन दूनिल्लाहि, ले आओ ना उन माबूदों को, अल्लाहु अकबर, अफरअयतुम, भला तुम बताओ तो सही, मा तदउन, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, हैं, जिनको हाजत रवा मानते हो, जिनको मुश्किल कुशा मानते हो, जिनकी कब्रों पर जाकर तुम सजदे करते हो, जिनकी कब्रों पर जाकर तुम चढ़ावे चढ़ाते हो, भला ये बताओ, इन अरादनी अल्लाह बिदुर्रिन, इन अगर अरादनी मेरे साथ इरादा कर ले अल्लाह, बिदुर्रिन किसी तकलीफ का, अगर अल्लाह मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहदीकुम अल्लाह व इस्लह बालकुम, अगर अल्लाह पाक मेरे साथ किसी तकलीफ का इरादा कर ले, हल हुन्ना, क्या ये, क्या ये कौन से, जिनको तुम हाजत रवा मानते हो, जिनको तुम मुश्किल कुशा मानते हो, जिनकी कब्रों पर जाके चढ़ावे चढ़ाते हो, देगे देते हो, हल हुन्ना काशिफात उज़्री, क्या
अल्लाह ने जिस तकलीफ का मेरे साथ इरादा किया है क्या ये हटा सकते हैं, क्या बीमारी को ये शिफा दे सकते हैं? औ अरादनी अल्लाह, औ या अरादनी, इरादा कर ले अल्लाह पाक मेरे साथ, बिरहमतिन, किसी रहमत का। हल, क्या, हुन्ना, ये जिनको तुम मानते हो, मुमसिकातु रहमती, अल्लाह की उस रहमत को रोक सकते? इंसान कितना बेख्तियार है। इंसान को जब गुस्सा आता है, किसी के खिलाफ गुस्सा आता है, तो आदमी कहता है इसका इस 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 इसका जान माल इज्जत सब लुट जाए, हैं? कितना इंतकाम में आदमी आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। आदमी कहता है कि चलते चलते बस इसका गाड़ी के नीचे आ जाए और मर जाए, हैं? क्या तेरे इरादे पूरे होते हैं? बात समझ नहीं समझे? इंसान तो बेबस है इस जहान में, समझे भाई? और इसी तरह से एक आदमी को नियमतें मिल रही हैं बार बार, और हमारा मिजाज उसके साथ नहीं मिलता, हम नहीं चाहते उसको नियमत मिले, क्या हम रोक सकते हैं उस नियमत को? नहीं रोक सकते। क्या इख्तियार है इंसान के पास? कुल, कह दीजिए, हस्बी अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और माँ और बहनों, ये अकीदा दिया गया है, ये अकीदा है, ये अकीदा है। क्या अकीदा है? अल्लाह अगर तुम्हारे साथ जरर और नुकसान का इरादा कर ले तो उस नुकसान को कोई भी नहीं रोक सकता, और अल्लाह तबारक ताला अगर तुम्हारे साथ किसी रहमत का इरादा करे उस रहमत को भी कोई नहीं पीछे कर सकता। नफे और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह। ये नजरिया रखो ना, नफे और नुकसान का मालिक अल्लाह है, खैर और शर का मालिक अल्लाह है, अच्छाई बुराई अल्लाह की तरफ से आती है। ईमान रखो, अच्छाई को इख्तियार करने के असबाब इख्तियार करो और बुराई से बचने के असबाब इख्तियार करो। सुनिएगा, मैं बड़ी अहम बात कहने लगा हूं। अच्छाई को इख्तियार करने के असबाब इख्तियार करो, बुराई से बचने के असबाब इख्तियार करो। अच्छाई जब हासिल हो गई कहो अल्लाह का फजल है, जब बुराई आ गई असबाब के इख्तियार करने के बावजूद भी कहो मेरे गुनाहों की नौसत, कहो मेरे गुनाहों की नौसत। बुराई को अल्लाह की तरफ मंसूब ना करो, बुराई को तकदीर की तरफ मंसूब ना करो, लिखा हुआ ही ऐसे ही था। बात समझे भाई? लिखा हुआ ही ऐसे ही था। अरे भाई लिखा हुआ ऐसे था, जाओ ना जाके छत से छलांग लगाओ, लिखा हुआ है, फिर वह कहना जी लिखा हुआ था। बात समझे नहीं समझे? नेक अमल इंसान ना करे, नमाज ना पढ़े, जी मेरी तकदीर में ही बेनमाजी होना लिखा हुआ, मैं क्या करूं? बदकारी का इर्तिकाब कर लिया, गुनाह का इर्तिकाब कर लिया, अरे क्यों किया जी, क्या करूं, लिखा हुआ ही था। बात समझे नहीं समझे? वो एक बुजुर्ग के सामने किसी ने इसी तरह से जनाब इसी तरह का कोई काम किया तो ये क्यों किया है? तो उसने ही कहा लिखा हुआ था मेरी तकदीर में, रख के चमाटा दिया और घूसा दिया और मुक्का दिया, का ये भी लिखा हुआ था, लो ये भी लिखा हुआ था। फिर नहीं समझे? अब तू मुझे नहीं कहना कि क्यों मारा है, क्यों भाई, लिखा हुआ था। बात समझे नहीं समझे? तो तकदीर के मसले को इस तरह से गुनाह करके तकदीर के सुपुर्द करते हो, गलत बात है, गलत बात है। कुल हस्बी अल्लाह, कह दीजिए अल्लाह पाक काफी है। अलैही यतवक्कलुल मुतवक्किलून, भरोसा करने वालों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। माना यह हुआ, हाँ बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात सुनिएगा, नोट कीजिएगा इस बात को, क्या कि अलैही यतवक्कलुल मुतवक्किलून, खैर को इख्तियार करने के असबाब इख्तियार करो, असबाब पर भरोसा ना करो, भरोसा अल्लाह की जात पर करो, ठीक है? शर से बचने के, शर से बचने के असबाब इख्तियार करो, भरोसा असबाब पर ना करो, किस पर करो? अल्लाह की जात पर। ये नजरिया है, अकीदा समझाया है। और फिर भी अगर कोई बुराई आ गई असबाब इख्तियार करने के बावजूद भी, तो ठीक है मेरे गुनाहों की नहुसत है, ये कहो कद्दर अल्लाह मा शा अफाल, जो अल्लाह का इरादा था वो पूरा होके रहा। नहीं समझे? बीमार था आदमी, अस्पताल में ले गए हो, ले गए हो, ले गए हो, और जनाब सब दवा दारू किया, उसके बाद भी मौत आ गई। अब पीटेंगे क्यों मौत आ गई? मैंने इलाज भी कराया था, दुआएं भी की थी, क्यों मौत आ गई? अरे भाई तुमने असबाब इख्तियार किए थे, तुम असबाब के मुकल्लफ हो, तुम नतीजे के मुकल्लफ नहीं हो। नतीजा देना अल्लाह का काम है, तुम्हारा काम नहीं है।
तुमने सेहत याबी के असबाब इख्तियार किए ना, दुआ एक सबब है, दवा एक सबब है, दोनों इख्तियार किए, दुआ भी और दवा भी, उसके बावजूद भी शिफा याबी नहीं हुई तो अल्लाह की मर्जी। हाँ, ये जो आपने दुआएं की हैं ये रायगान गई हैं, इन दुआओं की वजह से जो आपका मैयत चला गया उसके दर्जे बुलंद होंगे। ये अल्लाह का निजाम है, कायनात का निजाम अल्लाह ने इसी तरह से रखा है। और मजे की बात, अगर अल्लाह तबारक तआला बदला देता, आपने फलां दिन मरना है, फलां दिन आपकी मौत आनी है, आपके मरने में जनाब 4 दिन बाकी रह गए हैं, डॉक्टरों ने जनाब ऑपरेशन लिखा है जी, ऑपरेशन पर 4 लाख रुपया लगेगा, हैं जी बेटा तैयार हो गया, सारे बेटे मिल मिला के चलो जी अब्बू का ऑपरेशन कर देते हैं, अम्मा का ऑपरेशन कर देते हैं, कितना खर्चा आ रहा है जी 4 लाख खर्चा आ रहा है, 10 लाख चलो जी तैयार है। अगर पता चल जाए 4 दिन के बाद माँ ने मरना ही है तो कौन 4 लाख लगाएगा, नहीं समझे? अगर पता ही है कि 4 दिन के बाद जाना ही है तो कौन लगाएगा 4 लाख फिर, समझे ना? तो ये अल्लाह ने इस निजाम को इसलिए मख्फी रखा है ताकि तुम्हें खिदमत का मौका मिले, ताकि तुम्हें खिदमत का मौका मिले अपने अजीजों की, अखरबा आयजा की। वरना अगर पता चल जाए कि जनाब चार साल का भी पता चल जाए तब भी 4 लगाने को कोई तैयार नहीं होगा, कहेगा छोड़ ना भाई अब तो वक्त वैसे भी आ ही गया, मरना ही तो है, नहीं समझे? तो सिसक सिसक के वो जान दे देगी। ये अल्लाह का निजाम है। قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ, फरमाया हाँ आमाल कर लीजिए, कह दीजिए, कुल कह दीजिए, या कौमी ए मेरी कौम, اعْمَلُوا आमाल करो, आला مَكَانَتِكُمْ अपनी हालत पर, तुम कुफर पर हो करो, तुम कहते हो ना हम ठीक हैं, करो जो मर्जी है करो, इन्नी आमिल मैं भी आमाल करने वाला हूँ, फसौफा तालमून अन करीब जान लेंगे, मैं याती ही आदाब फसौफा अन करीब तालमून तुम लोग जानोगे, मन कौन शख्स, याती ही आता है उसके पास, आजाबन आजाब कैसा आजाब, युखजी ही जो उसको रुस्वा करेगा, व यहिल्लो और उतरेगा उस पर, नाजिल होगा अलैही उस पर आजाबन मुकीम दायमी आजाब, याती आदाबन युफजी ही दुनिया का आजाब है, और यहिल वाले आदाब मुकीम आखरत का आजाब, अनकरीब पता चलेगा। فسوف ترى اذا كشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار, शायर कहता है فسوف ترى अनकरीब पता चल जाएगा, فسوف ترى अनकरीब तू देखेगा, समझे? इदन का शफल गुबार, जब गुबार छटेगा ना फिर पता चलेगा, अफरसुन तहत रिजले का अम हिमार, तू गधे पर सवार था या घोड़े पर सवार था फिर पता चलेगा, नहीं समझे? आज गर्द गुबार है और गर्द गुबार में पता नहीं चल रहा कि तू गधे पर सवार है, लोग नहीं देख रहे, तू गधे पर सवार होके दावा करे मैं घोड़े पर सवार हूं, तो गुबार तो छटेगा ना, सब देख लेंगे कि तू किस पर सवार है। इसी तरह से जब ये क़यामत का गुबार छटेगा और ये सब दुनिया का गुबार छटेगा और सामने आ जाएगा मंजर, नेकी और बदी सब सामने आ जाएगी, फिर पता चल जाएगा तू क्या करके आया है। आज तो तू छुपा हुआ है इस दुनिया में, मुजरिम गुनाह करके भी छुप जाता है, जुल्म करके भी तू छुप जाता है, आज लोगों की निगाहों से छुपा है, अल्लाह की निगाहों से कहां छुप के जाएगा तू, समझे भाई? इन अंजलना अलैकल किताब, बेशक हमने इस किताब को उतारा है, लिन्नासि लोगों के लिए, बिल हक हक को बयान करने के लिए, फमन इहतदा जो हिदायत पाएगा, फली नफसी किसके लिए पाएगा, अपने लिए भाई, अपना नफा है ना, हिदायत पाकर अपना नफा है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो। वमन दल्ला और जो भटकेगा गुमराह होगा, फइन्नमा बेशक यज़िल्लु अलैहा उसकी गुमराही का वबाल किस पर होगा, उसी पर होगा। वमा अंत अलैहिम बिवकील, ए नबी आप इन पर कोई दरोगा तो नहीं, आप जबर तो नहीं कर सकते, आपका काम क्या है बोलो, समझाना। यहां तरबियती हवाले से बड़ा अहम नुक्ता बयान हो रहा है, बड़ा अहम नुक्ता कि घर का सरबराह अपनी औलादों को हिदायत और खैर की तरफ बुलाता रहे और गुनाहों से रोकता रहे, ये घर के सरबराह की जिम्मेदारी है, बस जबर नहीं है, ठीक है ना, जबर नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है। जबरदस्ती इसी तरह से किसी को इस्लाम के अंदर दाखिल करने में जबर नहीं कर सकते आप कि जनाब इसको मुसलमान करना ही करना है, आप जबर नहीं कर सकते,
ठीक है, आप अच्छाई फैलाने की मेहनत करें, कोशिश करें आप, उसके बाद नताइज अल्लाह पर छोड़ें, अल्लाह से इसकी हिदायत मांगे, बेटे की हिदायत मांगे, बीवी की हिदायत की दुआ मांगे, ठीक है जी, हिदायत की दुआ मांगे, खैर की दुआएं मांगे और असबाब इख्तियार करते रहे, नतीजा अल्लाह पर छोड़े। अल्लाह यतवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा, एक बड़ी अल्लाह की कुदरत की दलील समझाई कि बताओ अगर रहमत अल्लाह भेजना चाहे कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह तकलीफ देना चाहे कोई उस तकलीफ को रोक नहीं सकता, ये इख्तियार अल्लाह के पास है। इसी तरह से अल्लाह यतवफ्फल अनफुसा, यहां से बताया मौत और हयात का इख्तियार भी किसके पास है, अल्लाह के पास। और इस इख्तियार का एक मुशाहदा कराया, कैसे मुशाहदा कराया, जब आप सोते हो नींद आती है आपको, बिस्तर पर लेटते हो तो आपके अंदर से रूह का एक हिस्सा निकल जाता है या कुल्लन रूह निकल जाती है, लेकिन उस रूह का ताल्लुक जिस्म के साथ रहता है, जिसकी वजह से आदमी को सांस आ जा रही होती है और अपने इख्तियार के अफाल आदमी नहीं कर सकता, गैर इख्तियारी तौर पर करवट भी ले रहा होता है लेकिन शऊर इसे आम तौर पर नहीं होता, समझे भाई। तो क्या है कि अंदर से अल्लाह पाक ने नफ्स को, रूह को खींच लिया है, अपने पास बुला लिया है और उस रूह का ताल्लुक आपके जिस्म के साथ कर दिया गया है कि जिससे आप क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और मुतनब्बेह करने पर आप एकदम से क्या हो जाएंगे, बेदार हो जाएंगे, ठीक है जी। अब आपकी रूह आपके यहां से निकल गई और आलम बाला में, आलम मिसाल की सैर कर रही है, उसी से आपको ख्वाब आता है, आलम मिसाल की सैर करती है तो आपको वहां आलम मिसाल में जो चीज देखते हैं वो ख्वाबी शक्ल में मुनकशिफ होती है, ठीक है जी। लेकिन जब रूह वहां से नीचे, मिसाल के तौर पर आपकी बेदारी का वक्त होने लग गया है अचानक से, तो उस वक्त जो आपको ख्वाब आ रहे हैं वो जब रूह नीचे आती है तो फिर अगर जो मंजर आपको दिखाया जाता है, दिखता है, तो वो बीच में शैतानी तसर्रुफात हो जाते हैं, फिर वो ख्वाब सच्चा नहीं होता, बात समझे जी। फिर इसी तरह से जिस शख्स की मौत का फैसला होता है, जब सोया है, अल्लाह ने रूह को ले लिया और उस रूह का ताल्लुक जिस्म के साथ कायम कर दिया जिससे ये क्या कर रहा है, सांस इसकी आ जा रही है, लेकिन अल्लाह ने अगर फैसला कर दिया इसकी मौत का, तो वो जो ताल्लुक अदना सा जिस्म के साथ था उस ताल्लुक को भी अल्लाह क्या कर देगा, काट देगा। तो नींद के वक्त इस रूह का हिस्सा ले लिया जाता है और जिस्म से ताल्लुक कायम कर दिया जाता है, और अगर जागते जागते में मौत आ गई है बैठे बैठे में, तो मिन कुल्लिल वजूह तमाम तौर पर रूह का ताल्लुक जिस्म से मुनक़ति कर दिया जाता है। तो माना यह कि ये रोजाना तुम मंजर देखते हो, अल्लाह रूहों को खींचता है फिर वापस लाता है, फिर खींचता है फिर माना कि जब तुम बेदार होते हो रूह वापस आ जाती है ना, रूह वापस आ जाती है, आप खड़े हो जाते हो, चलते हो, फिरते हो, बोलते हो, वो रूह वापस आ गई है, ठीक है जी। तो ये जब आप देख रहे हो कि रोजाना रूह का खींचना और रूह का वापस लाना अल्लाह के इख्तियार में है, ये एक मंजर रोज तुम देखते हो, तो तुम समझ लो कि मौत और हयात का इख्तियार अल्लाह के पास है। और जिस तरह से अल्लाह इस सोने के बाद तुम्हें जगाता है और जागते वक्त तुम्हारे अंदर रूह को वापस मुंतकिल करता है, इसी तरह से मरने के बाद भी रूह को तुम्हारे अंदर वापस मुंतकिल करेगा, बात समझ में आई, रूह को वापस तुम्हारे जिस्मों में भेजेगा मरने के बाद, और सवाल जवाब तुमसे होगा। ये बात समझाई है, अल्लाह अल्लाह वो जात है, यतवफ्फल अनफुसा रूहों को ले लेता है, यतवफ्फा पूरा पूरा ले लेता है, अल अनफुसा रूहों को, हीन मौतिहा जब क्या होती है उनकी मौत का वक्त आता है तो रूहों को क्या करता है अल्लाह पाक, पूरा पूरा मुकम्मल ले लेता है। वल्लती और उन लोगों की रूहों को, उन नफ्सों की रूहों को भी अल्लाह पाक ले लेता है, लम तमुत जिन पर मौत नहीं आती उनकी रूहों को ले लेता है, कहां पर, फी मना में हा उनके सोते वक्त में उनकी रूहों को भी क्या कर लेता है अल्लाह पाक ले लेता है। फिर फयुम सिक अल्लाह रोक लेता है अपने पास, अल्लती उन रूहों को, कजा अलैहल मौत जिनके ऊपर मौत का फैसला हो चुका होता है, तो सोते में अब उसकी रूह को वापस अल्लाह पाक नहीं करता, रूह को अपने पास रोक लेता है और जो जिस्म के साथ इसका ताल्लुक था उस ताल्लुक को क्या कर देता है, काट देता है।
और وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى और वो रूहें जिनकी मौत का फैसला अल्लाह पाक अभी नहीं करता, यूरसिल उनको भेज देता है الْأُخْرَى दूसरी रूहों को إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى एक वक्त मुकर्रा तक। यानी दो किस्में लोगों की बताई कि बाज सोने में मौत आ जाती है और बाज को सोने के बाद फिर बेदारी मिलती है। तो कहा कि ये जो मंजर तुम रोजाना देखते हो तो इसी तरह से अल्लाह पाक मौत के बाद तुम्हें जिंदगी देगा। इन नफी ज़ालिक लआयात, इसमें निशानियां हैं, लिकौमिन यतफक्करून गौर व फिक्र करने के वाले के लिए। अम इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़ाआ, इसके बावजूद भी जब खालिक अल्लाह मान लिया तुमने, नफे और नुकसान का मालिक अल्लाह ही मान लिया तुमने, और इसी तरह से मौत और हयात का अल्लाह मालिक तुमने अल्लाह को माना है और जानते हो कि मौत और हयात का मालिक अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है, तो फिर समझना चाहिए अमित तखजु मिन दूनिल्लाहि शुफाआ, क्या ये अल्लाह के सिवा औरों को फिर शुफाआ मानते हैं, शफी मानते हैं, अल्लाह के सिवा औरों को सिफारशी मानते हैं। कुल, कह दीजिए, अवलौ कानू ला यमलिकून शैअन, क्या जिनको तुम सिफारशी मानते हो अगर ला यमलिकून शैअन एक चीज के भी मालिक नहीं है, वला याकिलून और न वो समझदार हैं, तो वो तुम्हारी क्या सिफारिश करें। अरे बात समझे नहीं समझे? हाँ, जिन कब्रों पर तुम जाते हो, मजारात पर तुम जाते हो, जिनको तुम पूजते हो और जिनके सामने तुम चढ़ावे चढ़ाते हो, वो तो किसी शह के मालिक नहीं। नंबर दो, समझते भी नहीं है, मूर्तियां हैं, पत्थर हैं, बेजान हैं, क्या समझेंगे वो। कुल, कह दीजिए, लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, सारी शफाअतें और सब इख्तियारात किसके पास हैं? अल्लाह के। अश्शफाअ से मुराद इख्तियारात हैं। लहू मुल्कु समावात, क्यों? इसलिए कि आसमान और जमीन की सल्तनत उसी की है। सुम्म इलैहि तुरजऊन, और तुम सबको उसकी तरफ क्या करना है? वापस जाना है, वापस जाना है भाई, उसकी तरफ लौट के जाना है। जब तुम सोते हो तो क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह तेरे नाम से मर रहा हूँ और तेरे नाम से ही सुबह क्या होगा? जिंदा होगा। तो ये इशारा इस तरह से है कि ये सोना मौत की तरह है और सुबह बेदार होना ये जिंदा होने की तरह है। जिस तरह से अभी तुम सोते हो इसी तरह से तुम मर जाओगे, जैसे तुम सुबह बेदार होते हो इसी तरह से तुम क़यामत में उठाए जाओगे, ये वो तसव्वुर है, ठीक है। और जब तुम जागते हो तो क्या पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। अल्फाज पे गौर करो, ये अकीदा समझाया है, ये नहीं कहा सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए, ऐ कज़ना जिसने हमें बेदार कर दिया, ये लफ्ज नहीं कहा, हमारे सोने के बाद हमें क्या कर दिया? बेदार, नहीं नहीं, अहयाना जिसने हमें जिंदा किया है, बादमा अमातना उसने हमें क्या दे दी थी? मौत दे दी थी, वही नींद में मौत आई थी ना, नींद में रूह निकल गई थी और फिर उसने रूह को वापस कर दिया है। ये तुम रोजाना पढ़ते हो, ये तुम रोजाना पढ़ते हो, ये तुम्हें अकीदा समझाया जा रहा है। वइलैही तुरजऊन वइलैही नुशूर, उसी ही की तरफ नुशूर होगा, नशर उसी की तरफ होगा, उसी के पास जमा होना है, उसी के पास लौट कर जा, ये समझाया जा रहा है। وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ। बड़ा अजीब मामला है, जब अपनी मंशा की बात सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं और जब मंशा के खिलाफ, चाहत के खिलाफ बात आती है तो चेहरे पर बारह बज जाते हैं। बात समझे नहीं समझे? आभूषण खमतरीरा, समझे भाई, चीं बजबी हो जाता है और चेहरे पर नागवारी के आसार आते हैं। यही हाल मुशरिकीन का था। वइदा ज़ुकिर अल्लाह, और जब अल्लाह का तज़किरा होता है, वहदहू अकेले, कैसे अकेले अल्लाह का तज़किरा होता है? अल्लाह ही खालिक है, मुतसर्रिफ भी वही है, नफे नुकसान का मालिक भी वही है, ये बुत कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं। जब नबी सल्लम सिर्फ अल्लाह का तज़किरा करते हैं, ये तज़किरा होता है, इश्माअज़्ज़त मुतनफिर हो जाते हैं, इश्माअज़्ज़त मुतनफिर हो जाते हैं। क़ुलूबुल्लज़ीना, दिल उन लोगों के, ला युमिनूना बिल आखिरा, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल क्या हो जाते हैं? लेकिन वइदा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही, और जब
तज़किरा होता है, ज़ुकिर अल्लज़ीन, उन लोगों का जो अल्लाह के सिवा हैं, औरों का तज़किरा होता है, हाँ ये भी कुछ ना कुछ करता है, ये भी कुछ ना कुछ करता है, तो क्या होता है, इज़ा हुम यस्तबशिरून, ये क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आज का भी ये हाल है, आज का भी ये हाल है, जो मर्जी और मंशा के मुताबिक तुम्हें दीन की बात मिलेगी ना, तुम्हारे हक में जो मिलेगी खुश हो जाओगे, और तुम्हें जो नागवार गुजरेगी तो तुम क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, नहीं नहीं ये फैसला सही नहीं हुआ। दो आदमियों के दरमियान में एक तीसरा आदमी हकम हो गया, हकम से पूछा, हकम ने दोनों से पूछा, फैसला करने वाले ने, भाई मुझे हर तरह का इख्तियार है, जी इख्तियार है, जब इख्तियार है तो अब एक उसने फैसला एक के हक में कर दिया, जाहिर है दोनों के हक में फैसला तो नहीं हो सकता, एक के हक में फैसला उसने किया तो जब दूसरे को नागवार गुजरेगा, समझे भाई, ये गलत बात है। तो भाई हक बात चाहे कड़वी भी हो ना, उसको क्या करना चाहिए, पी लेना चाहिए, उसको बर्दाश्त करना चाहिए, हाँ उसको नागवारी का इजहार नहीं करना चाहिए। कुल कह दीजिए, अल्लाहुम्मा फातिर अस्समावात, ऐ वो अल्लाह जो आसमानों को पैदा करने वाला है, वल अर्द जमीनों को पैदा करने वाला है, आलिमल गैबी व शहादा, ऐ अल्लाह जो जाहिर और बातिन को जानने वाला है, अंत तहकुम बैन इबादिक, ये आबुल इस्लाम अपनी दुआ में इस कलिमे को कहा करते थे, اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك اے اللہ تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان فی ما کانوا فیہ یختلفون ان تمام معاملات میں جس میں کیا کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخرت کے عذاب کی ہولناکی کو بیان کیا گیا، ولو ان للذین، کیا ہولناکی ہے کہ قیامت کے دن وہ ظالم اور مشرک اور کافر جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، اور کفر کیا ہے، وہ تمنائیں کریں گے کہ اس زمین جتنا کیا ہو، سونا ہو ہمارے پاس، اور اس جتنا اور سونا ہو، زمین کے بھرے جتنا سونا ہو، تو آج ہم اس سونے کو فدیے میں دے دیں اور اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا لیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ ولو انا، ولو اور اگر، لو تمنا کریں گے، انا بے شک، للذین وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے پاس، یہ ترجمہ کر لو، ظلموا جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، ان کے پاس ہو، کیا چیز ہو، کیا چیز ہو، ما فی الارض، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، اور زمین میں جو کچھ ہے سب ان کو مل جائے، جمیعاً سارا کا سارا مل جائے، ومثلہ معہ، اور اس جتنا اور بھی مل جائے، تو کیا کریں گے، لفتدوا، آج کیا کریں گے، فدیہ دے دیں گے اس کو، بھی اس سب کو، من سوء العذاب، اس برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، کہ چاہیں گے کہ آج ہمیں سب کچھ مل جائے، فدیہ دیں گے، لیکن نہیں، وبدا لہم، ظاہر ہو جائے گا آپ آج ان کے سامنے، من اللہ، اللہ پاک کی جانب سے، ما، وہ معاملات، لم یکونو یحتسبون، جن معاملات کا انہیں خیال بھی نہیں تھا، ارے یہ تو اپنے زعم میں سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے نیکوکار ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں، آج وہاں دیکھا تو ساری کی ساری نیکیاں کیا ہو گئیں، ضائع چلی گئیں، شرک آ گیا، دکھلاوا آ گیا، سنت کے خلاف ہو گیا، وہ سب نیکیاں ضائع چلی گئیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہوگا ان کے سامنے، سَيِّئَاتُ، وہ تمام برائیاں، مَا كَسَبُوا، جو انہوں نے کی ہیں، دائیں جانب دیکھیں گے برائیوں کے انبار، بائیں جانب دیکھیں گے، سامنے دیکھیں گے، پیچھے دیکھیں گے برائیوں کے انبار، وَحَاقَ، اور نازل ہو جا اور اتر پڑے گا ان کے اوپر، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ سارا عذاب جس عذاب کے ساتھ کیا کرتے تھے، یہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ آگے ایک بڑا عجیب حال ہے، شکوا ہے، ایک گلہ ہے، ایک انسان کا بدترین اور برا مزاج ذکر کیا جا رہا، وہ کیا، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب انسان کو پہنچتی ہے ضرن، کوئی بھی تکلیف، جب انسان کو پہنچتی ہے کیا چیز، تو کیا کرتا ہے، دعانا، ہمیں ہی پکارتا ہے، ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ، پھر ثم، جب، اذا خولنا ہو، جب ہم بدل دیتے ہیں اس تکلیف کو نعمت سے، مننا، اپنی جانب سے، یہ مضمون پیچھے بھی آ چکا ہے، اسی صورت میں پیچھے بھی آ چکا ہے، تو قالا، کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے دیا گیا ہے میری صلاحیت کی وجہ سے،
अरे जालिम, आज तूने अपने साथ अल्लाह को शरीक ठहराया। कहा कि जब तकलीफ पहुंची तो इसने हमें पुकारा और हमें पुकारा कि आज ये तकलीफ अल्लाह के सिवा कोई भी जायल नहीं कर सकता, और फिर जब उसके बदले में हमने नेमत दी, लेकिन अगला लफ्ज गौर कीजिएगा, हमने नेमत दी मिन्ना। मिन्ना का मतलब क्या हुआ? नेमत हमने दी है अपनी जानिब से, तुम्हारी मेहनत से तुम्हें नेमत नहीं मिली। तो कहता है इन्नमा उतीतु अला इल्म, ये तो मेरी जाती मेहनत है भाई, ये तो मेरी जाती कोशिश है, मैंने ये किया तो ये होगा, मैंने ये किया तो ये हुआ, मैंने यूं मेहनत की, ये सबब इख्तियार किया, फलां को फोन किया मेरा काम हो गया, फलां को फोन किया काम हो गया। अरे मेरे तो दोस्त और अहबाब हैं, बहुत लोग जानने वाले हैं, बहुत हैं, ये है वो है, ये क्या है, ये शिर्क हम कर लेते हैं। हम समझते हैं कि वो मुशरिकीन मक्का ही मुशरिक थे, हम समझते हैं कि हम तो बड़े मुवाहिद है, मुशरिकीन मक्का वो तो शिर्क वाले थे, हम तो नहीं करते, ये तो शिर्क आज हमारे अंदर पाया जाता है। कहा बल ही या फितना, अरे जो तुम्हें नेमत मिली है ये आजमाइश है, आजमाइश है। वलाकिन ना अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इसको नहीं जानते, अक्सर लोग नहीं जानते कि यह आजमाइश है। अक्सर लोग अपनी सलाहियत समझते हैं, अपना कमाल समझते हैं। अल्लाह पाक मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। قد قال الذين من قبلهم, बताओ ना इस किस्म की बातें, इनसे पहले ने भी तो यही कही थी कि ये मेरी मेहनत है। قال انما اوتيت على علم عندي, قارون ने नहीं कहा था ये मेरी सलाहियत है, ये मेरी मेहनत है, मैंने मेहनत से माल कमाया है, क्यों जकात अदा करूं, क्यों दूं मैं जकात, ये तो मेरी मेहनत है। तो कुरान क्या कहता है, قد قال, कहा है हाँ इस किस्म की बातें, अल्लदीन उन लोगों ने, मिन कबलहिम जो इनसे पहले थे, फमा अगना अनहुम, फमा तो नहीं अगना फायदा दिया, अनहुम उनको, मा कानू यक्तसिबून जो वो कमाते थे, जो वो कस्ब करते थे, उसने उनको कोई भी फायदा नहीं दिया। फिर क्या हुआ, फअसाबहुम उनको पहुंच आया, सय्यातु वो बुराइयां पहुंच आई, मा कसबू जो उन्होंने की थी उनका बदला पहुंचा, वल्लदीन गलमू और वो लोग जिन्होंने शिर्क किया, मिन हाउलाए इन लोगों में से, अहले मक्का में से, सय्युसीबुहुम सय्यातु मा कसबू, अन करीब इन्हें भी पहुंचेगा, बदर में जैसे अजाब पहुंचा इनको भी पहुंचेगा, वमा हुम बिमुअजिज़ीन और ये अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, अवलम यअलमू अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ा, क्या ये नहीं जानते। बड़ी अहम बात, नजरिया अकीदा समझाया है, मैं अर्ज कर रहा हूं मक्की सूरतों के अंदर अकायद की इस्लाह है, नजरियात समझाए जा रहे हैं, अवलम यालमू क्या रिज्क का बस्त फैला जाया जाना कोई कामयाबी की दलील नहीं है, रिज्क का तंग हो जाना नाकामी की दलील नहीं है, ये दोनों क्या हैं, इम्तिहान हैं। अवलम यालमू नहीं जानते ये लोग, अन्नल्लाह यबसुतुर रिज्का, अल्लाह पाक फैलाता है रिज्क को, लिमन यशा जिसके लिए चाहता है, वयक़दिर और जिसके लिए चाहता है तंग करता है, इन फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, इस रिज्क के तंग करने में और फैलाने में क्या है, बोलो, कुदरत की बड़ी निशानी है, इसमें बड़ी निशानी है, इसको फैलाया है रिज्क, इसको अगर तंग कर देता तो ये काफिर होके मर जाता, इसको तंग किया है, इसको अगर फैला देता है इसका रिज्क तो ये भी बागी होके मर जाता, नहीं समझे बात, इसको अल्लाह ने रिज्क दिया है और अल्लाह की मसलहत है इसलिए अल्लाह ने इसको दिया है, अगर इसको अल्लाह तबारक तआला न देता तो इसकी जबान पर कुफ्रिया कलमे आ जाते हैं, कादल फक्र यकुना कुफरा, इसके फक्र इंसान को कहां तक ले जाता है, कुफर तक, और ये बेचारा साबिर आदमी है, सबर करने वाला है, अल्लाह पाक जानता है कि ये सबर कर लेगा, अल्लाह ने उसको फकर डाला है, और अल्लाह ये भी जानता है कि अगर इसको कुछ माल दिया तो ये जरा क्या हो जाएगा, ये अपने आप से बाहर निकल जाएगा, फिर जरा नहीं समझे, ये फिर दूसरों को देख कर ठाट बाट की जिंदगी गुजारेगा और गुनाहों में चला जाएगा, तो ये भी इसके लिए बुरा है, तो अल्लाह जानता है भाई किसके लिए माल का हुसूल अच्छा है, किसके लिए माल का हुसूल बुरा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम समझते हैं कि माल ही अच्छा है, भाई नहीं, माल ही अच्छा नहीं है, अल्लाह की रजा अच्छी चीज है, अल्लाह जिस हाल में मुझे रखे, अल्लाह तू जिस हाल में तू रखे अल्लाह, उस पर मुझे राजी रहने की तौफीक अता फरमा, ये अल्लाह से मांगा करो।
अल्लाह इतना माल देना, इतना माल कि जिसकी वजह से मैं बस दुनिया में किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, बस मैं तेरा मोहताज। ऐसा माल न देना जिस माल को खाकर अल्लाह मैं तेरा नाफरमान और बागी बन जाऊं, ऐसा माल मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी ने ऐसे माल से पनाह मांगी, ऐसी दुनिया से पनाह मांगी। बात समझे नहीं समझे? मिल गया माल, पैसा है तो खरीदारी के लिए जब जाते हैं, माएं बहनें खरीदारी के लिए जब निकलती हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं वहां जब जाती हैं, तो जो खरीदारी करनी थी अपने घर के लिए सौदा सलफ लेके आना था 15,000 का, 20,000 का लाना था, खर्च करके आइए 25,000। वहां तो हर चीज खींचती है ना अपनी तरफ, ये भी ले लेनी चाहिए, ये भी ले लेनी चाहिए, ये भी ले लेनी चाहिए। फिर बच्चे साथ चले गए तो बच्चों की ख्वाहिशात हैं। क्या ये जो आपने खरीदारी की है ये आपकी जरूरत है या आपकी ख्वाहिश है? देखो, आपकी जरूरत वो खरीदारी है जो आपको आपके घर में याद आए, ये आपकी जरूरत है। जो दुकान में नजर देख कर याद आए वो आपकी ख्वाहिश है। भाई नहीं समझे बात? वो ख्वाहिश है जिस चीज ने आपको खींच लिया, ये भी लेना चाहिए, वो क्या है आपकी? वो ख्वाहिश है, वो जरूरत नहीं है। जरूरत जो घर से आप फेरिस बना के ले गई थी ना, लिस्ट बना के ले गई थी, वो है आपकी जरूरत। तो इसलिए ख्याल क्या करें, अपनी जरूरत को और अपनी ख्वाहिश को पहचानने की कोशिश करें। जरूरतों को पूरा करो, ख्वाहिशात को न पूरा करो। ख्वाहिशात नहीं पूरी होंगी, आज 50,000 लगा के आ गई है जनाब, ख्वाहिश फिर भी पूरी नहीं हुई, अगली बार 60 लगाएगी। समझे भाई? और शोहर साहब ने भी खुली छुट्टी दी हुई है इस मामले में कि ये मामला सारा तुम्हारे सुपुर्द है। नहीं, उसके सुपुर्द नहीं है, ये मामला तो इसके सुपुर्द है। भाई मामला तो उल्ट हो गए। जो जिम्मेदारियां मर्द की थी वो औरत क्यों ले रही है? जबी तो निजाम में खलल वाक़ होगा। बात समझे भाई? अर्रिजाल कवामून अला निसा, मर्द को अल्लाह पाक ने हाकिम बनाया है, मर्द को अल्लाह पाक ने हाकिम बनाया है। ये घर की जीनत है, ये घर की जीनत है। और मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं कुरान मुकद्दस की आयत, फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफिज़ातुन लिल्ग़ैबि बिमा हाफिज़ल्लाह। औरत की क्या जिम्मेदारी समझाई? फरमाया पहला काम क़ानितात, फर्मबरदार। शादी से पहले मां बाप की फर्मबरदार हो, 100% मां बाप की फर्मबरदार हो शादी से पहले, और शादी के बाद शोहर की फर्माबरदार। दोनों हालतों में अल्लाह की फर्माबरदारी भी मुकद्दम है, दोनों हालतों में। यह पहला फरीजा है औरत का। दूसरा फरीजा हाफिजातुन लिलगैब बिमा हाफिज अल्लाह, वो हिफाजत करे किसकी? नंबर एक, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, शोहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की हिफाजत करे। जिस शख्स से उसका ताल्लुक शोहर बर्दाश्त नहीं करता या अल्लाह तबारक ताला के यहां वो जायज नहीं है, उसकी तरफ वो न देखे, ताल्लुक न रखे, और शोहर की औलादों की हिफाजत करे, शोहर के माल की हिफाजत करे, शोहर के राजों की हिफाजत करे। ये उसकी जिम्मेदारियां हैं घर की, ये काम है उसकी, ये तरबियत करना इसका काम है, ये इसकी जिम्मेदारी है। बाजारों में जाना, शॉपिंग करना, खरीदारी करना ये इसका काम नहीं है। समझो भाई? अब ये तो यही कहती है कि मर्दों को पता ही नहीं चलता है, क्या करें जी, इनको खरीदारी का तो पता ही नहीं चलता। बात समझे भाई? तो अक्ल कुल का दावा कर बैठी है, इनको तो पता ही नहीं चलता, हमें पता चलता है खरीदारी क्या क्या लानी है। भाई लिख के दे दो ये चीजें लानी है, इसका एहतमाम करो, इसका ख्याल करा करो। ठीक है, मजबूरियां हैं, कोई मजबूरी है, कोई लेने वाला नहीं है, खरीदारी करने वाला नहीं है, एक अलग बात है। या इसी तरह से वो अशिया जो औरतों की जात से मुताल्लिका हैं खास तौर पर, ठीक है वो एक अलग चीज है। कपड़े की खरीदारी है, कपड़ा किसके लिए पहनेगी? शोहर के लिए ना, तो फिर तो शोहर के लिए पहनेगी, तो फिर शोहर के लिए जब कपड़ा पहनेगी तो फिर शोहर को देखना चाहिए। हाँ वो तो है, शादी की तकरीबों में देखो, समझे भाई, उसमें जनाब क्या है, बनाव सिंगार होता है, और घर में जब किस बनाव सिंगार करना, घर में इसके लिए सवाब है, घर में इसके लिए सवाब है,
रोजाना का इसका सवाब हासिल करना, रोजाना का शौहर की आमद से पहले पहले अपने आप को तैयार रखना, ये इसकी इबादत है, ये इसकी इबादत है, ये रोजाना की इबादत है इसकी, समझे भाई। तो बात ये है ना कि वो जिम्मेदारियां, जो जिम्मेदारियां औरतों की हो छोड़ दी उन्होंने, मर्दों ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी, तो नतीजा फिर आपस में इत्तेफाक और मोहब्बतें नहीं होती। قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ، پھر اللہ بڑا کریم ہے، اتنی ساری باتیں سنانے کے بعد، اچھا اگر تم سے زیادتی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو اب آ جاؤ، آ جاؤ بھائی مرنے سے پہلے پہلے آ جاؤ، تم گناہ کر بیٹھے ہو، کسی قسم کا گناہ، عقیدے کی خرابی ہو گئی ہے، اعمال کی خرابی ہو گئی ہے، نظریات کی خرابی ہو گئی ہے، کسی قسم کا گناہ ہو گیا، قل کہہ دیجئے، یا عبادی، او گناہگاروں کو بھی اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو، ہو تو میرے ہی بھائی، ہو تو میرے ہی، چار بیٹے ہیں، چھ بیٹے ہیں، ایک شخص کے ایک نافرمان ہے تو وہ بھی باپ کا، باپ سے نسبت تو نہیں کٹے گی، ماں سے تو نسبت نہیں کٹے گی۔ قل یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اسرفوا ظلم کیا ہے، علی انفسہم اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہوا کرو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، سب گناہوں کو معاف، سب گناہوں کی سے توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ انہو ہو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مقدس کی سب سے پر امید آیت یہ ہے جس میں گناہگاروں کو امید دلائی گی، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جو لوگ، جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جن باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں بہت بہت کمال کی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، لیکن ہماری زندگی ماضی کی بڑی خراب، ہماری زندگی ماضی کی بڑی خراب گزری، ہم نے قتل بھی کیے ہیں، ہم نے زنا بھی کیے ہیں، ظلم بھی کیے ہیں، زیادتیاں بھی کیے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، گناہ کر کے، قتل کر کے، زیادتیاں کر کے، چوریاں کر کے، زنا کر کے، ان سے کہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے، آ جاؤ اللہ کے دربار، آ جاؤ، اللہ پاک بخشنے والا مہربان۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی ایک خاص خصوصیت اور آپ کے انقلاب، وقت کیا ہوا تو گھڑی صحیح ہے، اچھا 12 سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انقلاب کے جو اصول ہیں نا، وہ ذرا ذہن نشین فرمائیے، بڑے عجیب، بڑے اعجب اور بڑے عجیب اصول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے ایک بہت عظیم و شان انقلاب آپ نے کیسے برپا کیا؟ نمبر ایک، توحید، وحدت رب، رب تمہارا ایک۔ آپ کی آمد سے پہلے کیا تھا؟ مختلف رب لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، درختوں کو رب، پتھروں کو رب، حیوانوں کو رب، جہاں کوئی قدرت کا کرشمہ نظر آتا ہے اسی کو رب بنا لیتے تھے، چلتے چلتے خوبصورت پتھر نظر آیا اسی کو رب بنا لیا، اسی کو سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر آگے جب قضاء حاجت کے لیے پتھر کی ضرورت پڑی اسی سے استنجا کر لیا، یہ حال تھا۔ کوئی نہیں جانتے تھے رب کیا ہے، رب کا تصور صرف اتنا ہی تھا کہ جیسا کہ کوئی بڑا بادشاہ ہوتا ہے، اس نے ایک جناب ایک بہت بڑا قلعہ بنا لیا ہو، اور جناب وہ بس اس طرح سے، اسی طرح سے اللہ ہے بس، ٹھیک ہے اس نے کائنات بنا لی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے، یہ ہے رب۔ آپ نے تعارف کرایا کہ نہیں، ہر نفع، ہر نقصان، ہر اچھائی، ہر برائی، موت کا، حیات کا، زندگی کا، رزق کا، تمام چیزوں کا مالک صرف ایک ہی اللہ ہے، دو نہیں ہیں، چار نہیں ہیں، ایک اللہ۔ اور یہ آواز اتنی 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 نامانوس تھی اس ماحول میں کہ اس آواز کو سن کر لوگوں کی حالتیں بدل گئی، اچھا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، دشمنیوں پر آگے صادق و امین کہنے والے جانی دشمن بن گئے اس آواز کو سن۔
लेकिन इस आवाज ने, इस दावत ने लोगों के दिलों को बदल दिया, बदल कर रख दिया। जब एक रब की बंदगी पर आए, जिंदगियों बदल गई। नंबर दो, वहदत अब, एक बाप है तुम्हारा, एक बाप। वहां क्या था, कुछ अपने आप को सूरज की तरफ मंसूब करते थे, सूरज हमारा बाप है, कुछ चांद की तरफ मंसूब करते थे, कुछ आसमान को बाप कहते थे, कुछ आसमान को बाप, बारिश आसमान को बाप, जमीन को मां कहते थे, जमीन से गल्ले उगते मां कहते थे। ये तसव्वुर था, नहीं तुम्हारा बाप एक है आदम। तो लिहाजा वो जो छूत छात का मामला था ना, ऊंची जात नीची जात, इसलिए कि जिसका बाप आला होगा उसकी जात आला होगा, समझे भाई। लिहाजा आसमान जिसका बाप है वो सबसे बुलंद जात है, ठीक है जी। और जिसने जनाब किसी जिन को बाप बनाया, फलां को बाप बनाया, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी हैसियत गुलाम की सी है, उसकी हैसियत भेड़ बकरियों की सी है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं तुम सब का बाप एक आदम अलैहिस्सलाम और सब की मां हव्वा, एक आदम और एक एक मां और एक बाप की औलाद हो, लिहाजा ये तुम्हारे यहां जो हसब नसब के चक्कर हैं जात पात के, ये सब बेकार, ये सब बेकार है। इंसान होने में किसी को कोई बर्तरी नहीं है, इंसान होने में सब क्या है बराबर। हाँ इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की यहां बर्तरी है तकवे पर। इंसान होने के नाते से ये काला है इसको कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए, ये सफेद है इसको अहमियत होनी चाहिए, ये अरबी है इसको अहमियत होनी चाहिए, ये अजमी है इसको नहीं होनी चाहिए, नहीं, ये चक्कर आपने खत्म कराया। बात समझे भाई। तीसरा, एहतराम इंसानियत, बड़ा प्यारा उसूल है। आपने इंसानियत का एहतराम दिया, आपसे पहले इंसानियत का एहतराम नहीं था, कायनात में चीजों का एहतराम था, आपने कहा कि नहीं इस कायनात का लुबे लुबाब और दुल्हा वो इंसान है, बाकी सारी कायनात इसकी खिदमत में, बाकी सारी कायनात किस में है, तो इंसान को उसकी अहमियत आपने बतलाई है। तुम्हारा कितना बड़ा एहतराम है, इतना एहतराम समझाया कि रब और तुम्हारा ताल्लुक कैसे है, कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन पूछेगा, ऐ मेरे बंदे मैं बीमार हुआ था तूने मेरी बीमार पुरसी नहीं की है, बंदा कहेगा या अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है तू कैसे बीमार होता, अल्लाह पाक फरमाएगा कि मेरा फुलाम बंदा बीमार हुआ था, अगर उसकी तू बीमार पुरसी करता तो मुझे उसके पास पाता। तो मतलब क्या है कि बंदे का अल्लाह से यूं ताल्लुक आपने कायम करवाया, इतना इस इंसान को एहतराम दिया। बात समझे नहीं समझे। चौथा उसूल बड़ा प्यारा जिसके लिए मैंने ये सारी बात जिक्र की है, वो ये है जो यहां है, वो ये है आपने मायूसी खत्म कराई। मायूसी छाई हुई थी कि हम इतने गुनाहगार हो गए हैं और स्याहकार हो गए हैं, तो इन स्याहकारियों और गुनाहों के बाद क्या तौबा मुमकिन है, क्या हम अल्लाह का मुकर्रब बन सकते हैं। तो आपने समझाया कि जिस तरह से जिस्म पर मैल कुचैल आर्जी होती है, आदमी साफ सुथरा हो जाता है नहाने के बाद, इसी तरह से ये गुनाहों की स्याही और गुनाहों की कुदूरत और मैल कुचैल भी आर्जी है, तोबा के साथ इसको भी धोया जा सकता है, तोबा करके इसे भी धोया जा सकता है। बात समझ नहीं समझे। इसलिए मिसाल दी है कि बताओ एक आदमी के दरवाजे पर अगर नहर हो और वो 5 मरतबा रोजाना उसके अंदर नहाएगा तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल रहेगी, नहीं रहेगी। का यही मिसाल है 5 नमाजों की, यही मिसाल है किसकी, 5 नमाजों की। 5 नमाजें पढ़ने से उसके क्या होगा, गुनाह मिटते चले जाएगा, समझो भाई। और पांचवां उसूल बड़ा प्यारा, बड़ा खूब उसूल, आपने क्या किया, आपने दीन और दुनिया को जोड़ा है। आपने क्या किया है, दीन दुनिया को जोड़ा है। पहले रहमानियत अल्लाह को पाने के लिए जंगलों में जाना पड़ता था, नहीं 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 नहीं, अब फरमाया एक आदमी सवेरे अपनी मजदूरी को निकलता है, मुलाजमत को निकलता है। सहाबा कहते हैं क्या ही अच्छा होता है इसकी इस्तेदाद दीन पर लगती और जिहाद में लगती। आपने फरमाया नहीं, अगर ये हलाल कमा कर लाए और अपने बच्चों को और बीवी को लोगों के सामने हाथ फैलाने से मुस्तगनी कर दे, ये भी इसका दीन है, ये भी इसका दीन है। अरे ये क्या दीन है, यहां तक भी दीन है, जो ये अपनी ख्वाहिश बीवी से पूरी करेगा इस पर भी सवाब, अल्लाह के रसूल इस पर सवाब, ये भी दीन है। कब बताओ, अगर ये नाजायज जगह पर अपनी ख्वाहिश पूरी करता गुनाह होता कि नहीं होता, का होता, का जब जायज जगह पर पूरी करेगा तो सवाब है।
यूं आपने दीन और दुनिया को जोड़ा, समझे भाई। और छठा और आखिरी उसूल, आपने मंजिल समझाई, आपने मंजिल समझाई, आपने मंजिल बतलाई कि तुम्हारी मंजिल क्या है, समझे भाई। हर आदमी समझता था कि दुनिया में माल का हासिल हो जाना ये मंजिल है, हैं जी, और इख्तदार का आ जाना मंजिल है, किसी ने ये मंजिल समझी, किसी ने, आपने फरमाया नहीं, मंजिल तुम्हारी अल्लाह की रजा है, ये है असल। तो ये छह उसूल थे आपकी जिंदगी के इनकलाब के, छह बड़े अहम उसूल। चलिए, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, और رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف, وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اس کے حکم کو مانو, من قبل یاتیکم العذاب, پہلے اس کے کہ عذاب آئے, ثم لا تنصرون, پھر تمہاری مدد نہ کی جائے, وَاتَّبِعُوا, اور اتباع کرو, احسن ما انزل الیکم, ان مضامین کی اعلیٰ طریقے سے جو تمہاری طرف اتارے گے, من ربکم, تمہارے رب کی جانب سے, من قبل, پہلے اس کے, ان یاتیکم, آئے تمہارے پاس, العذاب, عذاب, بغتتن, اچانک, وانتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہاں سے آیا, ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, یہ سب باتیں اس لیے کہی ہیں, ان تقول نفس, تاکہ قیامت کے دن کوئی یوں نہ کہے, یا حسرت, ہائے افسوس, علی ما فرطت فی جنب اللہ, میں نے کیوں کوتائی کی اللہ کے حقوق میں, فرطت, کوتائی کی, فی جنب اللہ, اللہ کے حقوق میں, وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاحِرِينَ, اور اگرچہ دنیا میں میں مستحزین, مذاق اڑانے والا تھا, تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس میں نے کیوں کوتائی کی ہے, بھائی تمہیں سمجھانے کے موقع دیے گئے, او تقولا, تاکہ کوئی یوں نہ کہے, لو ان اللہ ہدانی, اگر اللہ پاک مجھے دنیا میں ہدایت دیتا, لکنت من المتقین, میں بھی متقی بن جاتا, اللہ نے ہدایت کے راستے رکھے ہیں جی, آج کہتے ہو نا بھائی نماز پڑھو, ارے اللہ کی توفیق ہوگی تو پڑھوں گا نا, توفیق ہی نہیں ہے تو کیسے پڑھوں, بھائی تمہیں اذان کی آواز آئی ہے, چل سکتے ہو, جا سکتے ہو, پڑھ سکتے ہو, یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے, توفیق کا معنی یہ نہیں ہے کہ کان سے پکڑ کے تمہیں کوئی مسجد میں ڈنڈے کے ساتھ کھڑا کرے, یہ توفیق نہیں ہے, او تقولا, تاکہ کوئی یہ نہ کہے, حین تر العذاب, جب تو عذاب, جب وہ نفس, جب وہ عذاب کو دیکھے گا, لو ان لی کرتن, ہائے کاش کہ مجھے موقع مل جائے, کرا, ایک بار دنیا میں واپس, فاکون من المحسنین, تو میں بھی نیک و کاروں میں سے بن کے آ جاؤں, بلا, کیوں نہیں, قد جاءت کا آیاتی, ارے میری آیتیں تیرے پاس آ چکی ہیں بھائی, قیامت کے دن تیرا کوئی عذر نہیں چلے گا, فَكَذَّبْتَ بِهَا, تو نے ان کا انکار کیا, ہیں جھٹلایا, وَاسْتَكْبَرْتَ, اور ان سے تو نے منہ موڑا, وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تو ہمیشہ ناشکر ہی رہا, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا, اور قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر, وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ, ان کے چہرے سیاہ, أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ, کیا کافی نہیں ہے ٹھکانہ متکبروں کے لیے جہنم, وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا, عجیب آیت, وَيُنَجِّي اللَّهُ, اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو, الَّذِينَ اتَّقَوْا, جو بچے ہیں کفر سے شرک سے, بِمَفَازَتِهِمْ, ان کی کامیابیوں کی بنیاد پر, لا یمسہم السوء, ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, ولا ہم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے, اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر شے کا خالق ہے, وہو علی کل شیء وکیل, ہر شے پر نگہبان ہے, لہو, اسی ہی کے پاس ہیں, مقالید السماوات, آسمانوں کی چابیاں, والارض, اور زمینوں کی چابیاں, آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اسی کے پاس ہیں, والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا, اولئک هم الخاسرون, یہ خسارے میں ہیں, قل, کہہ دیجئے, اف غیر اللہ تأمرونی, اے ہائے, شرک کا رد آیا ہے, ایسا زبردست انداز شرک کے رد کا, سنیے گا, قل, کہہ دیجئے, اف غیر اللہ تأمرونی, اتنے سارے دلائل کے بعد تم مجھے حکم دیتے ہو, افا, آ, کیا, غیر اللہ, اللہ کے غیر کا حکم دیتے ہو, تأمرونی, تم مجھے حکم دیتے ہو, کس چیز کا, ان اعبدو, کہ میں بندگی کروں, اعبدو, میں بندگی کروں, غیر اللہ کی, اللہ کے غیر کی بندگی کروں, غیر اللہ کا تعلق اعبدو کے ساتھ ہے, کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں, ایوہ الجاہلون, اے جاہلو, کس چیز کا حکم دیتے ہو, نہیں سمجھے بات,
नहीं समझे बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, आप यूं ऐलान कर दीजिए, जो आपको ये दावत दे रहे हैं कि आप हमारे दीन पर चले, हमारे मिजाज के मुताबिक चले, इस तरह से चले जैसे हम कह रहे हैं, तो क्या मैं तौहीद को छोड़कर तुम्हारी बातों को मानूं, शिर्क को मानूं मैं? आप भी ये बात कहा करें ना, जब तुम्हें रस्म और रिवाज और माहौल में तुम्हें कोई दावत देता है गुनाह की तरफ, तो आप कहें ना कि क्या अल्लाह को छोड़कर मैं तुम्हारी बातों को मानूं, ये कहना चाहिए। वलकद ओहिया इलैका, और यकीनन वही किया गया आपकी तरफ, वइललदीना मिन कबलिक, और आपसे पहले अंबिया की तरफ भी क्या वही किया गया, ये बात सुनिएगा, लइन अशरकता, ए नबी जी अगर आपने भी शिर्क कर दिया, तसव्वुर नहीं है नबी से शिर्क का, अगर आपने भी शिर्क कर दिया, लयहबतन अमलुक, आपके सारे आमाल बातिल हो जाएंगे, वलतकूनन मिनल खासिरीन, और आप भी खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। सूरतुल अनआम में इस मजमून को कहा ना कि हमने आपसे पहलों को भी नबियों को ये बात सुनाई है, और वो सूरह अनआम के अंदर तफसील से आया है। सब नबियों का तस्करा अल्लाह ने गोया के 1,24,000 या 1,25,000 अंबिया सब का तस्करा वहां पर किया, 18 के नाम लिए। وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَابْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ। ये 18 का नाम लेकर कहा, वमिन आबाएहिम वज़ुर्रियातिहिम वइख्वानिहिम, इन 18 अंबिया के बाप में जो नबी आए, इनकी औलादों में जो नबी आए, इनके भाइयों में जो नबी आए, और इनकी नस्लों में जो नबी आए, सबको हमने ये हुक्म दिया, लइन अशरकू, अगर इन्होंने शिर्क कर दिया तो इनके सारे के सारे आमाल क्या हो जाएंगे, बातिल हो जाएंगे। तो बताओ भाई, समझाया जा रहा है कि शिर्क इतना बदतरीन जुर्म है कि वो ऐसा जुर्म है, ऐसा जरासीम है कि तुम्हारे सारे आमाल को खा जाएगा, सारे आमाल को खा जाएगा, दीमक की तरह चाट देगा, तुम्हारे सब आमाल को तबाह कर देगा। इसलिए शिर्क से बचाओ अपने आप को भाई, दिखलावा भी एक शिर्क है, इससे बचाओ अपने आप को। وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, और आप खसारे वालों में से हो जाओगे। بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ, आप कह दीजिए मैं, हाँ बल बल्कि اللَّهَ فَاعْبُدْ, आप अल्लाह ही की बंदगी कीजिए। وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, और शुक्र गुजार बनिए। وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي, ये लोग जो शिर्क की तरफ आपको दावत दे रहे हैं, गुनाह की तरफ दावत दे रहे हैं, नाफरमानी, किसकी नाफरमानी की तरफ, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ, अरे वमा कदर अल्लाह हक्का कदरी, इन्होंने अल्लाह की कदर ना पहचानी जैसा कि पहचानने का हक था, इन्होंने अल्लाह की अजमत ना की, इसका तीन एक तर्जमा ये कर रहा हूं, उन्होंने अल्लाह को पहचाना नहीं जैसा कि पहचानने का हक था, उन्होंने अल्लाह की अजमत नहीं की जैसा कि अल्लाह की अजमत का हक था, अल्लाह की ताजीम नहीं की जैसा कि ताजीम का हक था। हालांकि अल्लाह कौन जात है जानते हो, वल अर्दु जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, अरे सारी जमीनें क़ियामत के दिन उसकी मुट्ठी में होंगी, वो जात है, वो जात है। यौमल क़ियामा वस्समावातु मतवियातुन बियमीनी, वस्समावात और सारे आसमान मतवियातुन लिपटे हुए होंगे, बियमीनी ही उसके हाथ में, अब ये सारी जमीनें उसके कब्जे में उसकी मुट्ठी में होगी और हाथ लिपटे आसमान सारे उसके हाथ में लिपटे हुए होंगे, इसका एक माना ये है कि तसर्रुफ सारा अल्लाह के पास है, आसमानों और जमीनों का मुकम्मल कंट्रोल आज दुनिया में भी अल्लाह के पास और क़ियामत के दिन भी किसके पास होगा, जब अल्लाह के पास है तो जमीन बोलेगी आपने क्या किया किया था, जमीन बोलेगी उस दिन, बात समझे भाई। और है ये मुतशाबिहात में से, मुतशाबिहात में से, इसलिए कि अल्लाह पाक के ये हाथ कैसा है, कमा यलीकु बिशान ही, जैसी उसके शान के मुनासिब है, हम नहीं जानते, बस हम इस पर ईमान रखते हैं। सुबहाना, साथ समझा दिया, सुबहाना वो पाक है शिर्क से, वो पाक है,
शिर्क से, वो तुम्हारी तरह के हाथ होने से, तुम्हारी तरह के आज़ा और अज्जा होने से पाक है। वह तआला बुलंद बाला है उन तमाम चीज़ों से जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। वह नुफिखा फिस सूरी फसाइका, सुन लो फिर वो वक्त आने वाला है जब फूंक दिया जाएगा सूर में। फसाइका, ये पहला सूर फूंका जाएगा। फसाइका, गिर पड़ेगा। मन फिस समावात, जो आसमानों में है सब। वह मन फिल अर्द, और जो जमीनों में है सब। इल्ला मन शा अल्लाह, मगर जिनको अल्लाह चाहेगा वो सूर से नहीं गिरेंगे। जिनको अल्लाह चाहेगा वो बच जाएंगे। हमलतुल अर्श, अर्श को उठाने वाले, और इसी तरह से चार फरिश्ते जो मशहूर फरिश्ते हैं वो सूर से नहीं गिरेंगे। वो उनको फिर से मौत अल्लाह पाक दोबारा से देगा। सुम्मा नुफिखा फीही उखरा, और फिर दोबारा फूंका जाएगा। सूर क्या है? हदीस पाक में आता है कि एक चीज है सींग की तरह की, जिसको हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम लेकर खड़े हैं, और जब हुक्म होगा उसमें फूकेंगे और ऐसी हैबतनाक आवाज पैदा होगी, और हैबतनाक खौफनाक आवाज होगी, और बहुत तेज और जोरदार आवाज होगी, जिससे कायनात धर्म भरम हो जाएगी, सब कुछ टूट पड़ेगा और सब पर मौत तारी हो जाएगी। और फिर जब दोबारा फूकेंगे तो सब जमीन से निकल पड़ेंगे, ऐसे निकलेंगे जैसे सब्जा उगता है, इस तरह से। यह है सूर का मंजर। सुम्मा नुफिखा फी उखरा, फिर जब दोबारा फूकेंगे। फैदा हुम कियाम यंजुरून, सब के सब खड़े होंगे अल्लाह के सामने, देख रहे होंगे चारों तरफ अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो अशरकतिल अर्द बिनूर रब्बिहा, और वो दिन आने वाला है। अशरकतिल अर्द, जमीन रोशन कर दी जाएगी। अशरकतिल अर्द, रोशन होगी जमीन। बिनूर रब्बिहा, आज सूरज रोशन नहीं करेगा जमीन को, आज चांद रोशन नहीं करेगा, आज अपने रब का नूर उसे रोशन करेगा। वज़ी अल किताब, और नामे अमल खुल के आ जाएंगे। वजी अबिन नबीहीन, और नबियों को भी सामने लाया जाएगा। वशुहदा, और गवाहों को भी लाया जाएगा। वकुज़िया बैनहुम बिलहक, और फैसला होगा हक के साथ। वहुम ला युज़लमून, और कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। वुफियत, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को मा अमिलत, जो वो करेगा। वहुवा आलम, और अल्लाह जानता होगा। बिमा यफ़अलून, जो ये किया करते थे। वसीकल लदीन कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा, वो वक्त आने वाला है जब हंका दिए जाएंगे। सीका, खींच कर ले जाया जाएगा। अल्लदीन, उन लोगों को। कफरू, जिन्होंने कुफर किया। पीछे से फरिश्ते डंडे मारते हुए लेकर जाएंगे। हैं ज़ुमरन, जमात जमात, जत्थे जत्थे जाएंगे। ये चोरों की जमात जा रही है, ये लुटेरों की जमात जा रही है, ये शराबियों की जमात है, ये जानियों की जमात है, ये फलां की है, इस तरह से। हत्ता इदा जाऊहा, यहां तक के जब वो पहुंचेंगे जहन्नम के पास। हत्ता, यहां तक के। इदा, जब। जाऊहा, पहुंचेंगे जहन्नम के पास। फुतिहत अबवाबुहा, उस जहन्नम के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मुजरिम जब जेल खाने में और कैद खाने में पहुंचता है तो उस वक्त दरवाजा खुलता है, पहले से नहीं खुलता। वकाल लहुम खजनतुहा, और कहेगा दरोगा जहन्नम उनसे। काला, कहेगा लहुम उनसे। खजनतुहा, दरोगा जहन्नम। खजना, दरोगा जहन्नम। मलाइका क्या कहेंगे? अलम यातिकुम रसूल, अरे तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे? कोई वाइज नहीं आया था? कुरान नहीं था तुम्हारे पास? रसूल की सुन्नत नहीं थी? किसी ने समझाया नहीं? क्या अलम यातिकुम रसूल, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे? मिनकुम, मिनकुम क्यों कहा? तुम्हारे में से, इंसानों में से रसूल हमने भेजे थे, फरिश्ते तो नहीं थे कि तुम कहते कि इनकी बात हम कैसे सुनेंगे? तुम ये कहते कि फरिश्ते ने शादी नहीं करनी है, फरिश्ता तो फरिश्ता है, उसने खाना नहीं है, उसने पीना नहीं है। अरे तुम्हारे में से रसूल हमने भेजे थे जो खाते भी थे, पीते भी थे, जिनकी शादियां भी थी, जिनकी जिंदगियां भी थी। बताओ उन्होंने इसी दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह को राजी किया कि नहीं किया? तुम्हारे लिए उन रसूलों की जिंदगी नमूने नहीं थी? क्या किया तुमने? अजीब अजीब सवाल है, अजीब सवाल है। यतलून अलैकुम आयाति रब्बिकुम, क्या रसूल नहीं आए थे जो तुम्हारे सामने तुम्हारे रब की आयात तुम्हें पढ़ के सुनाते रहे? वयुनज़िरूनकुम, और तुम्हें डराते रहे। लिका यौमिकुम हाजा, इस दिन के अजाब से। लिका, मुलाकात। यौमिकुम हाजा, इस दिन से। कालू, अब इकरार करेंगे। बला बला बला, जी जी। बला का माना क्या है?
जी आए थे इकरार है, वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाब अलल काफिरीन, लेकिन अल्लाह के अज़ाब का फैसला आज साबित हो गया काफिरों के लिए। कीला कहा जाएगा उदखुलू, दाखिल हो जाओ, घुस जाओ, अबवाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाजों में, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा रहोगे। फबेसा मस्वल मुतकब्बिरीन, बदतरीन ठिकाना है तकब्बुर करने वालों के लिए। और फिर दूसरा हाल भी सुन लो, मुत्तकियों का हाल भी सुन लो। वसीका, पहले वाले सीका का माना है फरिश्ते हंका कर लेके जाएंगे, वो तर्जमा मैंने किया था। अब सीका का तर्जमा इज्जत के साथ फरिश्ते इस्तकबाल के साथ लेके जा रहे होंगे, सीख खींच के ले जाएंगे लेकिन इज्जत के साथ लेके जाएंगे, आगे पीछे दाएं बाएं फरिश्ते। वसीकल्लदीन अत्तकौ, और ले जाया जाएगा बड़ी इज्जत से उन लोगों को जिन्होंने इत्तकौ रब्बहुम, अपने रब की नाफरमानी से डरे। कहां अपनी नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहे, कहां ले जाया जाएगा? इलल जन्नती, जन्नत की तरफ। जुमरन, जमातें जमातें, ये नमाजियों की जमात, इनकी जिंदगी में नमाज गालिब थी। ये रोजेदारों की जमात, इनकी जिंदगी में रोजा गालिब था। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इसकी जिंदगी में सदके का गलबा था, इसकी जिंदगी में सच्चाई का गलबा था। बड़ी प्यारी हदीस याद आई है, बड़ी प्यारी हदीस। सर्दी के मौसम में नेमत बारेदा, बेहतरीन गनीमत, बेहतरीन नेकियों का सीजन मोमिन के लिए, लंबी लंबी रातें। इन लंबी रातों में से तहज्जुद नसीब होती है, मुख्तसर दिन और ठंडे, इसमें से रोजे की तौफीक होती है। इस लंबी रात में भी जो आदमी रात के क़याम से दो रकात अल्लाह के सामने नफिल पढ़ने से, अरे फर्ज नहीं कह रहा, फर्ज से जो महरूम है वो तो है ही बदनसीब है, लेकिन वो भी बदनसीब और बदकिस्मत है जो इन लंबी रातों में तहज्जुद से महरूम है, तहज्जुद से महरूम है इतनी लंबी रातों में। और इतनी लंबी रातों में आज जवान सारी सारी रात फजूलियात में लगता है। अल्लाहु अकबर, इशा 7:30 बजे इशा की नमाज पढ़ के फारिग है, 7:45 बजे इशा की नमाज पढ़ के फारिग है, 6 बजे जाके फजर पड़ेगा, कितना लंबा टाइम है। इस लंबी रात में इसको तहज्जुद अगर नसीब ना हो तो फिर कब नसीब होगी इसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का क़याम करते थे, पांव पर वरम आ जाते थे, पांव मुबारक सूज जाते थे आप अलैहि सलाम के पांव। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कहां अल्लाह के रसूल इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं? कहा, अफला अकून अब्दन शकूरा, अल्लाह का शुक्र गुजार ना बनू? जब इतना अल्लाह ने दिया है तो शुक्र ना अदा कर। आज माल का कौन शुक्र अदा करता है? आज औलाद की नियमत का कौन शुक्र अदा करता है? आज घर की नियमत का कौन शुक्र अदा करता है? आज सवारी की नियमत का कौन शुक्र अदा करता है? चलो रात को दो गाना ही पढ़ लूं यार, शुक्र की नियत करके पढ़ लूं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा सब बुजुर्गों से, अपनी माओ बहनों से, क़यामुल लैल का एहतमाम करें रात के अंदर अपने घर। आखिरी हिस्से में उठना नसीब हो जाए, उठा करो, जल्दी सोया करो रात, और नहीं उठ सके हो रात सोने से पहले पढ़ लिया करो। सोने से पहले अपने आप को आदत डालो, वजू करके 2-4 रकातें पढ़ लो भाई, और अगले दिन का रोजा रख लो, हफ्ते में 2 रोजे तो रख लो भाई, पीर का रोजा, जुमेरात का रोजा एहतमाम कर लो। रमजान में भी तो रोजा रख के आप काम पे भी जाते हो, अपनी सारी मशगूलियात आपकी चलती रहती हैं, गर्मियों में भी होता है हिम्मत करते हो, अभी तो सर्दी है, मुख्तसर अय्याम है, दिन छोटा भी है, दिन ठंडा भी। तो ये 2 बड़े अहम तोहफे हैं इस उम्मत को फरमाया कि सर्दियों में रात का क़याम और दिनों में क्या है, दिन का रोजा। तो एहतमाम करो, पीर का रोजा, जुमेरात के रोजे का एहतमाम करो। हत्ता इदा जाऊहा, फरमाया यहां तक के जब वो आएंगे, हत्ता इदा जाऊहा, यहां तक के जब वो जन्नत के पास आएंगे, हैं जन्नत वाले जब जन्नत के पास आएंगे, वो फुतिहत अबवाब हुआ, देखो पहले में वाव नहीं थी, वहां पर इदा जा हुआ फुतिहत अबवाब हुआ, यहां है व फुतिहत अबवाब हुआ, ये वाव एक माना बता रहा, वो क्या कि जहन्नम वाले जब जहन्नम के पास आएंगे तो दरवाजा खुलेगा, और जन्नत वाले जब जन्नत के पास आएंगे तो पहले से दरवाजों को खुला हुआ पाएंगे। मेहमान हैं, मेहमान के लिए मेजबान इस्तकबाल में खड़ा होता है भाई, नहीं समझे? और मुजरिम के लिए दरोगा इस्तकबाल में खड़ा नहीं होता। मुजरिम को जब वहां ले जाया जाता, दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, खोलो दरवाजा, इसको अंदर धकेलना है इसको,
और इधर मेहमान है जन्नत का है, मलाइका इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे, हूर और गिलमान इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे, और रब अपनी शान के मुताबिक इस्तकबाल कर रहा होगा। ये है वह फुतहत अबवाबुहा, पहले से दरवाजे खुले हुए होंगे। अब वहां दरोगे ने क्या कहा था, जहन्नम के दरोगे ने कहा था तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे, ये क्या कहेगा, क्या मजे का कलाम है। वकाल लहुम खजनतुहा, और कहेगा जन्नत का फरिश्ता कहेगा, खजाना वही जन्नत का जो निगरान फरिश्ता निगाहबान फरिश्ता है, क्या कहेगा, सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम्हारे ऊपर, सलामती हो तुम्हारे ऊपर, सलामती हो अजाब से महफूज। सलामती का माना अजाब से महफूज, दुनिया की तकलीफों से महफूज, अल्लाह के गुस्से से महफूज, वामी नाराजगियों से महफूज, बीवी के लड़ने से महफूज, यह है सलाम। हर शह से सलामती है आज। तुब तुम मजे उड़ाओ, तुब तुम मजे करो, मजे करो। फदखुलूहा खालिदीन, दाखिल हो जाओ जन्नत में, हमेशा हमेशा रहोगे, हमेशा हमेशा रहोगे। अरे भाई दाखिले के बाद सबसे बड़ा खटका होगा कि कहीं नेमत छिन न जाए, कहा नहीं नहीं, फदखुलूहा खालिदीन, अरे हमेशा हमेशा रहोगे। अल्लाह हमें ये सब इनामतें अता फरमाए, अल्हम्द। उसके बाद वकालू, और जन्नतियों का शुक्रिया देखिएगा, जन्नतियों के अल्फाज, जन्नतियों का तराना होगा। कालू कहेंगे जन्नती, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए, अल्लज़ी सदक़ना वादा, जिसने हमारे साथ अपने वादे को सच्चा करके दिखाया, जिसने कहा था दुनिया में नेकी करोगे तो जन्नत दूंगा, हमने नेकियां की, आज अल्लाह ने जन्नत दी। वअवरसनल अर्दा, और वारिस बनाया उसने अल अर्ज़ा, जन्नत की जमीन का। नतबव्वो मिनल जन्ना हैथु नशा, आज हम ठिकाना बना रहे हैं इस जन्नत को जहां हम चाहते हैं। फनिअम अजरुल आमिलीन, क्या ही खूब अजर है काम करने वालों का। आज मजदूरी का वक्त आया है, आज मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। व तरल मलाइकाता, हाय हाय उस इजलास की कैफियत क्या होगी। व तरा, और तू देखेगा, अल मलाइका फरिश्तों को, हाफीन मिन हौलिल अर्श, अल्लाह तबारक तआला के अर्श के चारों तरफ को घेरे हुए होंगे। युसब्बिहून बिहम्द रब्बिहिम, अल्लाह के रब की तस्बीह बयान कर रहे होंगे। युसब्बिहून, तस्बीह बयान कर रहे होंगे अपने परवरदिगार की हम्द की। ये कहेंगे सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अल अज़ीम, ये कहेंगे। व कुज़िया बैनहुम बिल हक, और उसके बाद इंसाफ का फैसला हो जाएगा। वकील, और कहा जाएगा, कीला कहा जाएगा, आखिर में ये नारा लगेगा, ये नारा लगेगा क्या, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है। ये आखिरी नारा होगा। ये जन्नती जब आपस में बैठकर इख्तिताम मजलिस होगी ना, आखिरी, जैसे कि यहां तुम निकाल नारा लगाते हो पाकिस्तान जिंदाबाद और फलां पाइंदाबाद कहते हो ना, इसी तरह से जन्नत वाले कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है। ऐ अल्लाह ही नियामतें हमें अता फरमा, ऐ अल्लाह ही नियामतें हमें अता फरमा। ये अल्लाह का कलाम है भाई, इसकी लज्जतें, इसकी लज्जतें, इसकी लज्जतें अल्लाह हम सबको अता फरमाए, हम सबको इसकी लज्जतें अल्लाह अता फरमाए। इसका जो लुत्फ है, इसके पढ़ने का, इसके सुनने का, इसके एक एक लफ्ज में जो मजा और जिसकी जो चाशनी है ना, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, दुनिया की किसी चीज में ये लुत्फ नहीं, दुनिया की किसी शय में ये लुत्फ नहीं है। जब इंसान इसमें शुरू होता है तो सब कुछ आदमी भूल जाता है, सब गम आदमी को भूल जाते हैं। अरे भाई, इस दुनिया के किसी खूबसूरत बागीचे में आदमी चला जाता है, जब उस बागीचे को मनाजिर आदमी देखता है, खुशबुएं देखता है, किस्म किस्म के रंग और फूल और फल देखता है, तो सब दुनिया के गम आदमी को भूल जाते हैं। ये कुरान ये बड़ा खूबसूरत बागीचा है, ये जन्नत के बागीचे हैं, ऐसी मजालिस जन्नत के बागीचे हैं। हदीस पाक में आता है, ऐन मजालिस से गुजरा करो तो जन्नत के बागीचों में कुछ चर लिया करो, इसलिए औरों को भी लाया करो, औरों को भी साथ लेके आया करो, इन खूबसूरत बागीचों के लिए मेहनत करो, दूसरों को भी लेके आओ, जैसे आपको लज्जत आई, आपको लुत्फ आया, दूसरों को, अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को मिन्नत करो, समाजत करो, लेके आओ। अल्लाह के नबी की मेहनत का यही मैदान था, दिन रात आपकी मेहनत का ये मैदान था, हैं कि इस कुरान के लुत्फ से
دوبالا ہو جائیں, اس قرآن کے لطف اور اس قرآن کے مزے لوگ حاصل کریں. مزے لے لے کے سیدنا ابوبکر صدیق پڑھتے تھے راتوں کو, مزے لے لے کے پڑھتے تھے. اللہ اکبر, رجل بکا, ان بہت زیادہ رونے والے تھے, لوگ جمع ہو جاتے, یہ کیا پڑھ رہا ہے, یہ کیا کلام پڑھ رہا ہے. اور جن لوگوں کے دلوں میں کفر چھپا ہوا تھا نا, وہ بھی رات کو چھپ چھپ کے سنتے تھے. ایک آیا, کہاں جا رہے؟ ارے سننے گیا تھا, بڑا اچھا کلام. ارے وعدہ کرو کل نہیں جاؤ گے. ٹھیک ہے جی, نہیں جائے گی. پھر کل آئی, پھر دیکھا, پھر وہاں سے, اور کہاں سے آ رہے ہو؟ ارے بھائی غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی. نہیں سمجھے, سرداروں کا یہ حال تھا کہ ہر ایک رات کو چھپ چھپ کے سنتا تھا اس قرآن کو, لیکن روزانہ طے کرتے تھے نہیں کل نہیں جائیں گے, ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تھے, پھر جاتے تھے سننے کے لیے. ایسا کلام ہے یہ, دلوں کو بدلنے والا کلام ہے. لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی, اللہ نے نہیں دی, ہٹ درمی تھی, نہیں اللہ نے ہدایت دی. اس لیے درخواست ہے, کاش اس کی حقیقت ہمیں پتہ چل جائے نا. ہم غافل ہیں, ہم آج شہد کی مٹھاس کو ہم جانتے ہیں, شیرینی کی مٹھاس, مٹھائی کی مٹھاس کو ہم جانتے ہیں, اس قرآن کی مٹھاس ہمیں نہیں آتی نا. ذائقے خراب کر چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے, اس لیے اس قرآن کی طرف آ جاؤ, لوٹ کے آؤ. بہت دور چلے گئے, ہماری زندگی کا جو مقصد تھا ہم اس سے بہت دور چلے گئے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمة, اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما, اے اللہ ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرما, اے اللہ سب کا, بزرگوں کا, ماؤں بہنوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اے اللہ سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما, اے اللہ سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما. اے اللہ یہ جو لطف ہے, یہ جو مزے ہیں, اے اللہ قرآن کی مجالس کے جو مزے ہیں, اے اللہ ان کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ لطف ہمارے گھروں میں, ہمارے بچوں میں, ہماری اولادوں میں, ہمارے بہن بھائیوں میں, ہمارے ماں باپ میں, اے اللہ سب کو, اے اللہ اس قرآن کا لطف نصیب فرما, اے اللہ اس کا لطف سب کو نصیب فرما, اے اللہ اس کی چاشنی سب کو عطا فرما, اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم بہت دور چلے گئے, یہ جرم ہم سب کو معاف فرما, اے اللہ یہ کوتاہی ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ قیامت کے دن, اے اللہ ہمیں مہمان بنا کر, اے اللہ بولانا, اے اللہ مجرم بنا کر نہ بولانا. اے اللہ جو جنت والوں کے تذکرے ہوئے, اے اللہ ان میں ہمارا بھی حشر فرما. اے اللہ جہنم والوں سے تو ہماری حفاظت فرما, اے اللہ جہنم کے راستے سے تو ہماری حفاظت. اے اللہ ہم سب کو نیک و صالح بنا, اپنی مرضی کے مطابق اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے, اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے, اے اللہ ہمیں زندگیوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا, اے اللہ گھر والوں کو نیک و صالح بنا. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اس گھر میں جو مجلس ہوئی, اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اہل خانہ کی محنت اور کوشش کو قبول فرما. تمام بزرگوں کا آنا, ماؤں بہنوں کا, بچوں کا, سب کا آنا قبول فرما. سب کے گھروں میں رحمتوں کو نازل فرما. اپنی شان کے مطابق اجر سے, رحمت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہم سب کو دوسروں میں محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے والد محترم, اے اللہ انہیں بھی اور تمام بیماروں کو, اے اللہ شفا نصیب فرما. اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.